इस वीडियो में बताना चाहूँगा इस किताब के बारे में जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी है। कुछ दिनों पहले नहीं, मतलब आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ी है। तो किताब का नाम है आपका बंटी और राइटर का नाम है मन्नू भंडारी। तो ये जो किताब है वो एक बच्चे के बारे में है और कि वो जो बच्चा है वो 7 या 8 साल का है और वो अपनी मम्मी के साथ रहता है। उसकी मम्मी जो है वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल है और उनके जो मम्मी और पापा हैं उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो दोनों अलग अलग रहते हैं और कुछ दिनों बाद वो डिवोर्स भी लेने वाले हैं। तो ये जो नॉवल है ये मतलब इसमें ये बताया गया है कि वो जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ रहता है, तो अपनी माँ को ऑब्ज़र्व करता है कि वो जब कॉलेज जाती हैं प्रिंसिपल बन के, तो वो अपना मतलब मेकअप वगैरह करके जाती हैं, और जब वो घर पे रहती हैं तो वो अलग तरीके से रहती हैं, और जब वो कॉलेज जाती हैं तो उनका मेकअप और जो उनका व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बुक में एक तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों का मनोविज्ञान कैसा होता है और बच्चे क्या क्या सोचते हैं, और जैसे इसके पापा जो हैं वो बंगाल में रहते हैं, दूर रहते हैं इनसे, तो ये हमेशा अपने पापा से मतलब कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इस तरीके की ज़िद करता है। और किताब में ये है कि इसकी मम्मी जैसे इनके घर में एक काम वाली भी है जिसका नाम जिसको फूफी कहते हैं लोग, तो वो इनके लिए खाना बनाती है और मतलब घर वर का वो नॉर्मल काम करती है। तो किताब में मतलब बताया गया है कि मतलब छोटे छोटे जिक्र किए गए हैं कि उसे वो रोज़ दलिया दे देती है खाने के लिए बच्चे को, तो बच्चा कहता है कि रोज़ रोज़ दलिया मैं नहीं खा रहा, रोज़ रोज़ दलिया। फिर धीरे धीरे इस बच्चे को पता लगता है कि मेरे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते, तो ये बड़ा उत्सुक रहता है जानने के लिए कि पापा क्यों नहीं रहते, क्योंकि ये छोटा होता है तो इसे इतना कुछ पता नहीं होता कि डिवोर्स क्या होता है या फिर अलग रहना क्या होता है। तो जब ये पड़ोस में कहीं जाता है तो वहाँ पर पूछते हैं कि तेरे पापा नहीं आए और तेरे पापा मतलब इस तरीके की कुछ बातें जिक्र होती हैं, तो इसे पता लगता है धीरे धीरे कि मेरे और कि मेरी मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई है जिस वजह से वो अलग रहते हैं। ये एक बार इनके घर पे जो वकील आता है जो इन दोनों के बीच में डिवोर्स को लेके मतलब डिवोर्स करवाने का जिसको काम दिया गया है वकील, तो वो एक बार इनकी चुपके से बात सुन लेता है बच्चा, तो उसे धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है। तो फिर धीरे धीरे से पता लग जाता है कि मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई, तो बच्चा एक छोटी उम्र से इतना ज़्यादा समझदार हो जाता है कि इसे पता लग जाता है कि मम्मी के सामने पापा का जिक्र कम करना है और मम्मी के सामने ऐसी बातें नहीं करनी जिनसे मम्मी दुखी हो सकती हैं, जैसे पापा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता और जो पापा ने खिलौने दिए उन्हें छुपा के रख देता है ताकि मम्मी को याद ना आए पापा की। और जब इसकी मम्मी कहती हैं कि तू अपने पापा के साथ रहेगा, तो ये कहता है नहीं, जहाँ पे आप रहोगी मैं तो वहीं रहूँगा, है ना। तो मतलब ये बच्चा बहुत छोटी उम्र में ही बहुत मैच्योर हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इसकी मम्मी और इसके पापा जो हैं वो डिवोर्स कर लेते हैं, और अब जो उसकी मम्मी है वो थोड़ा मतलब बहुत पहले से बहुत अकेले अकेली रहती हैं वो, क्योंकि पति साथ नहीं है, तो बार बार वो इन्हीं विचारों में रहती हैं कि मैं मतलब मैं ऐसा क्या नहीं दे पाई अपने पति को कि वो जो मेरे साथ नहीं है, मतलब क्या हमारे बीच में ऐसे मतभेद बन चुके हैं कि जिन वजह से हम साथ नहीं हैं। तो इनकी जो लाइफ है बहुत रसीन लाइफ है, मतलब बहुत रूखी सूखी लाइफ जा रही है, और ये भी ज़्यादातर जो समय है वो अपना व्यतीत करती हैं सोचने विचारने में, और अपना कॉलेज वॉलेज चली गई तो वहाँ पर और बच्चे के साथ। पर ज़्यादातर जो इनका इनके मन में ऊहापोह बनी रहती है कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है और बंटी को क्या करना है, बंटी को आगे लेके क्या विचार है, मतलब कि बंटी को स्कूल में मतलब हॉस्टल में भेजना है
या बंटी को हॉस्टल में भेजना है, या बंटी की परवरिश कैसे करनी है, क्योंकि बंटी को क्या है अपने साथ वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं जिनके साथ वो खेल सके। वो अपनी मम्मी के साथ ही बस रहता है, मम्मी के साथ ही वो सोता है, तो उसका पूरा जो वो है वो मम्मी के इर्द गिर्द ही चल रही है उसकी लाइफ बच्चे की। अब वो स्कूल वगैरह हालांकि जाता है पर मतलब उसे अपने साथ साथ वाले बच्चे इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके जो पड़ोस में भी जो बच्चे हैं वो इतने मतलब इसकी बुक के अनुसार उतने ज़्यादा नहीं है। एक टीटू नाम का है और एक पता नहीं कौन है। और क्या था बुक के अंदर, हालांकि बुक में तो बहुत कुछ है पर फिर थोड़ा सा और बता देता हूँ कि फिर क्या होता है, जो इसकी मम्मी होती हैं वो दूसरी शादी कर लेती हैं, एक डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं तो उनसे दूसरी शादी कर लेती हैं ताकि उनकी जो रसहीन ज़िंदगी है जिसमें कोई सुख नहीं है उसमें थोड़ी सी खुशी आ सके। पर बंटी को लगता है कि जब मेरे पापा हैं जीवित हैं तो मम्मी दूसरी शादी क्यों करनी है, और मैं उनको जो डॉक्टर हैं उनको पापा क्यों बोलूँ। तो जो डॉक्टर होते हैं उनकी वाइफ जो होती हैं वो मर गई होती हैं, तो इस वजह उनके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम अमित होता है और उनकी बेटी है उसका नाम जोत होता है। तो बंटी सोचता है कि जब मेरे पापा जीवित हैं तो मैं उनको पापा क्यों बोलूँ, क्योंकि उसकी मम्मी कहती हैं कि तू डॉक्टर साहब को पापा बोलेगा। तो उनसे ये सवाल तो उनसे ये पूछता है कि भाई मेरे पापा जीवित हैं तो मैं उनको डॉक्टर क्यों बोलूँ। तो फिर जब बंटी का अपना घर छोड़ने का मन नहीं होता जहाँ पे वो पहले रह रहे होते हैं, क्योंकि उसे वही घर अपना अपना लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसने अपना एक बगीचा बना रखा होता है और वो काफ़ी समय से वहीं पे रह रहा होता है तो उसको अपने घर से लगाव होता है। पर वो जब डॉक्टर के घर जाता है तो अब डॉक्टर ने, क्योंकि वो रिच होता है तो उसने उसकी मम्मी के पसंद से ही पूरे घर का डिज़ाइन वगैरह करवा दिया होता है, कमरे का डिज़ाइन सब कुछ। तो हालांकि बुक में बहुत कुछ है कि मतलब जब बंटी देखता है कि रात में उसके पापा और मम्मी मतलब अर्ध नंग हैं तो उसे कैसा लगता है, और कैसे उसके मन में अलग अलग तरह के विचार घूमते हैं, कैसे कैसे अलग अलग तरह के उसे भय पकड़ते हैं, और सोते समय कैसे कैसे उसे ख्याल आते हैं जैसे सब अंधेरा हो जाता है पूरे कमरे में। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इस किताब में बहुत कुछ, और जो राइटर है उसने मतलब मैं मतलब इस तरीके से इससे सोच नहीं पा रहा कि मतलब इनको इतना चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इतना पता कैसे है, मतलब कि इन्होंने बुक में इन्होंने जैसा वर्णन कर रखा है ना चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में वो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो, और मतलब हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें किसी चीज़ से डर लगता है या मतलब तरह तरह के विचार जो हमारे मन में उठते हैं, इन्होंने एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे तरीके से इस बुक में वो चीज़ वर्णित की गई है कि मुझे तो लगता है कि इन्हें इतना इस बारे में कैसे पता है, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। फिर इस बच्चे का, क्योंकि डॉक्टर साहब के घर पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता क्योंकि वहाँ पे इसे ऐसा लग रहा होता है कि हर कोई मेरे अगेंस्ट है, कि मतलब मेरे यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रख रहा है, मम्मी पापा के साथ रहती हैं हमेशा, उन्हीं की बात सुनती हैं, और मतलब ये बच्चा जानबूझ के वहाँ पे ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिससे इसकी मम्मी को दुख पहुँचे, क्योंकि इसकी मम्मी ने अपना घर छोड़ के अब ये डॉक्टर साहब के घर आ गई तो इसको इस बात से दुख हुआ। फिर अब इसकी मम्मी डॉक्टर साहब के साथ रहती हैं तो इस बच्चे को अपनी मम्मी के साथ एक लगाव हो चुका था, क्योंकि जब ये डॉक्टर साहब के घर आते हैं तो इसको लगता है कि वहाँ पे दो बेड होते हैं कमरे के अंदर, उसको लगता है यहाँ पे मम्मी सोएंगी, इस वाले बेड पे मैं सो जाऊँगा, पर इसे बाद में पता लगता है कि नहीं वो बेड तो मम्मी और पापा के लिए है। तो इसको ऐसा धक्का पहुँचता है क्योंकि ये अभी तक मम्मी के साथ ही सोया है, मम्मी के साथ ही इसने अपना जीवन अभी तक देखा है। तो इसे जब एकदम से ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मम्मी को छू रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, उनके निकट आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ये चीज़ अखरती है। तो हालांकि जो वकील जो इन मियाँ बीवी का जो केस सॉल्व करवा रहा था वो भी इनसे बोलता है कि बंटी को उसके साथ वाले बच्चों का एक संग नहीं मिल पा रहा है, तो
कोशिश कीजिए कि मतलब उसको एक साथ वाले बच्चों को एक संग मिले, ताकि वो भी एक नॉर्मल एक बच्चे की तरह मतलब बड़ा हो, और मतलब अगर आपके साथ रहेगा वो तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पर उसकी माँ को उस समय ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा कह रहा है, ताकि क्योंकि वकील और जो उसका जो पति होता है वो दोनों दोस्त होते हैं, तो उसको लगता है कि ये मेरे पति की वकालत कर रहा है। तो उस समय इसकी माँ, बंटी की माँ को ऐसा लगता है। फिर बाद में बंटी ना इनके घर में बहुत उदास उदास रहने लग जाता है, और सारी बातें मतलब ऐसी करता है कि मुझे यहाँ पे मतलब उसका सारा संकेत यही होता है कि मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मुझे यहाँ से जाना है किसी भी तरीके से। क्योंकि अब उसको अब देख रहा है कि उसकी जो मम्मी है वो भी उसकी नहीं रही, मतलब ना उसके साथ वो उसका अच्छे तरीके से ध्यान रख रही, ना उसके साथ वो सोती, और जब भी पापा आते हैं तो पापा के साथ ही लगी रहती हैं। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक आइसोलेशन में जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब का छोटा बेटा अमित होता है वो भी थोड़ा नॉटी होता है, तो वो भी मतलब उसे अपने खिलौने नहीं दिखाता, जैसे बच्चों में नॉर्मल व्यवहार होता है कि मैं उसको अपने खिलौने नहीं दूंगा या उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करूंगा। हालांकि जो उनकी बेटी होती है वो अमित के वो बंटी के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे लोग नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही रहता है, कि मतलब अच्छे से उससे बात करती है, और बंटी को भी वो पसंद आती है जो उनकी बेटी होती है जोत। तो उन्हें मतलब बंटी को उसका व्यवहार अच्छा लगता है लड़की का, कि वो अच्छे से बात करती है, उसे चीज़ें दे भी देती है, अपने साथ चीज़ें शेयर करती है। फिर एंड में बुक में ये है कि जो बंटी बाबा जिद करने लग जाता है, तो उसके पापा को बोल दिया जाता है कि आप अगर बंटी को रखना चाहते हो तो आप रख लो। तो उसके पापा हाँ बोल देते हैं, और वो उनके साथ, क्योंकि पहले इसके पापा आए हुए होते हैं जब इसकी मम्मी और ये साथ रहते थे, तो वो हालांकि इनके घर पे नहीं आते थे, वहीं कहीं मतलब इसमें कोई सर्किट नाम की कोई जगह है तो वहाँ पे वो रुक जाते थे कहीं, मतलब अपना होटल वोटल में कोई रूम वगैरह स्टे वगैरह करते होंगे वहाँ पे रुक जाते थे, और बंटी को मतलब वो घुमा देते थे वहाँ पे, वहाँ बंटी घूम घूम लेता था। तो और वो उसे बंगाल के बारे में बताते थे कि बंगाल में ऐसी ऐसी इमारतें हैं, बंगाल में ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं, और इतनी लाइटें हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो बंटी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें घर कर गई थी, और बंटी को ऐसा लगता था कि अगर मैं बंगाल जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पर अब जो बंटी के जो रियल पापा होते हैं, उन्होंने भी मतलब एक दूसरी शादी कर ली होती है, वो भी किसी लड़की के साथ या औरत के साथ वो भी रह रहे होते हैं अब, और उनका एक बच्चा भी हो गया होता है। तो अब बंटी उनके साथ बाद में बंगाल चला जाता है, और पर वो जब बंगाल जाता है तो वो देखता है कि जैसा पापा ने बताया था, बच्चों को ऐसा लगता था कि बंगाल में वो जाएगा, पापा के साथ घूमेगा, पूरा दिन भर घूमेगा, और मतलब उसे लगता था यही सब होगा कि बहुत मज़ा आएगा, मैं घूमूंगा पापा के साथ, बहुत पापा के साथ बातें करूंगा, पापा मुझे अलग अलग तरह की चीज़ें दिलवाएंगे, और उसे यही लाइफ लगती थी। पर जब वो बंगाल जाता है और वहाँ पे एक्चुअली में देखता है कि बंगाल में कितना ट्रैफिक है, बंगाल में कितने सारे लोग हैं, और जो जहाँ पे उसके पापा रहते हैं वो जगह कितनी मतलब छोटी जगह है, तब उसे जाके ये चीज़ एहसास होती है कि मतलब जैसा मैंने सोचा था यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। और उसके पापा तैयारी कर रहे होते हैं उसे एक हॉस्टल में डालने की, वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ पे तुम दोस्त बनाओगे, ये बनाओगे, पर बंटी का कहीं ना कहीं मन होता है वहाँ ना जाने का, हॉस्टल ना जाने का। तो बंटी की जो हालत हो गई होती है ना, वो बिल्कुल मतलब बहुत अजीब सी हो गई होती है, क्योंकि ना वो वहाँ का रहा जहाँ पे वो अपने मम्मी के घर से आया, मतलब डॉक्टर साहब के घर से आया, क्योंकि उसे वहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो यहाँ पापा के पास आया बंगाल में तो उसे वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या होता है, तो फिर ना ये वहाँ का रहता और ना ये वहाँ का रहता, तो कहानी में मतलब बंटी का तरीके से मनोविज्ञान बताया गया है कि बच्चा क्या सोचता है, उसके माँ बाप और जो एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस होते हैं कैसे उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे उसे अफेक्ट करते हैं, और
उसके मन में किस किस तरीके के विचार चलते हैं और कैसे एक बच्चे का जीवन प्रभावित होता है अपने माँ बाप के फैसलों से। शुक्रिया।